एक्सरसाइज 53 का क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग के पास, और यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्ट करने के लिए। तो इंस्ट्रक्शन जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है उसको उसी तरह से कन्वर्ट करना है। यहाँ कन्वर्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे ए नंबर में जैसे दिया हुआ है 5.3 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसी प्रकार जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसी तरह से हमको कन्वर्ट करना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट और बी पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इतना सेंटीमीटर है तो 5 पॉइंट के पहले वाला जो है ये सेंटीमीटर होता है, इसके बाद वाला जो होता है वो उससे छोटा यूनिट होता है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गया और इसको लिखेंगे प्लस 0.3, पॉइंट में लिख रहे हैं ये भी सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर। तो हम लोग को जाना है मिलीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, तो यहाँ पर देखते हैं ये पहले आता है मिलीमीटर उसके बाद आता है सेंटीमीटर, पहले मिलीमीटर होता है उसके बाद सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग सेंटीमीटर में हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर में है और मिलीमीटर में जाना है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर मतलब बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना है। हम लोग को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, एक स्टेप है इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हम लोग हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मिलीमीटर हो गया, 10 मिलीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग के पास है 0.3 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.3 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट एक बार राइट साइड की ओर जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 मिलीमीटर। हम लोग मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट कर दिए। इस तरह यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर आंसर हो गया। इस तरह से इसमें दिया हुआ है, इसमें मीटर दिया हुआ है और हम लोग को मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, जैसे कि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे डेसीमीटर हो जाएगा और उसके बाद होता है मीटर। तो हम लोग को कहाँ जाना है, हम लोग को मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। तो 1, 2 मतलब यहाँ से 1, 2, 3 स्टेप मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे है 2 मीटर प्लस 0.8 मीटर, ये भी मीटर है। अब हम लोग यहाँ मीटर में हैं तो 1 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर में जाना है तो 100 सेंटीमीटर हुआ, और हमारे पास है 0.8 मीटर इक्वल टू 0.8 × 100 इक्वल टू हो जाएगा, इस ये दो बार जाएगा तो एक बार में ये 8 बनेगा, फिर एक बार जाएगा तो 8 पे 10, ये हो गया सेंटीमीटर। ऑलरेडी हमारे पास है 2 मीटर और ये हो गया 80 सेंटीमीटर। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सी और डी पार्ट है हम लोग के पास, तो यहाँ पे दिया हुआ है 7.09 मीटर और मीटर सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो ऑलरेडी पॉइंट के इधर वाला नंबर जो होता है वो मीटर है, तो यहाँ पे हम लोग के पास है 7 मीटर प्लस हो गया 0.09, ठीक है 0.09, तो ये जो है ये भी मीटर है। अब इसको हमको करना है कन्वर्ट सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हमारे पास है 0.09 मीटर इक्वल टू 0.09 × 100, तो क्या हो गया ये दो बार जाएगा इधर, तो यहाँ पे हो गया 9 सेंटीमीटर। तो मीटर जो हमारे पास है 7 मीटर 9 सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। इस तरह से यहाँ पे इसमें भी मीटर सेंटीमीटर में दोनों में चेंज करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे 1.76 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये मीटर में हो गया 1 मीटर प्लस 0.76 मीटर, ये भी मीटर में है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 0.76 मीटर इक्वल टू 0.76 × 100 इक्वल टू दो बार चलेगा ये तो 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मीटर हमारे पास 1 है, 1 मीटर 76 सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ई और एफ हम लोग के पास है और यहाँ पे इसको मीटर से मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग के पास ऑलरेडी पॉइंट से पहले जो नंबर है वो मीटर में रहता है, तो 2 मीटर हो गया, यहाँ पे 2 मीटर प्लस हो गया 0.695, ये भी मीटर हो जाएगा मीटर। तो मीटर तो जो मेरे पास है ऑलरेडी पॉइंट से पहले, तो इसको कन्वर्ट नहीं करना, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे
हम लोग को मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो वन मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कितना है, 0.695 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.695 इंटू 100। तो यहाँ पे 100 से दो जीरो चलेंगे, तो यहाँ पे दो जीरो मतलब दो बार पॉइंट इधर जाएगा राइट साइड की ओर, 1 2 इक्वल टू कितना हो गया, 69.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मीटर हम लोग के पास पहले से क्या था, तो हम लोग के पास मीटर था 2 मीटर और सेंटीमीटर कितना हो गया, 69.5 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, कंप्लीट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर दिया हुआ है ऑलरेडी 3 किलोमीटर, तो 3 जो है किलोमीटर में है, 3 किलोमीटर प्लस 0.89 ये भी किलोमीटर में है, जिसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, फिर जो है हमारे पास कितना है, 0.89 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 0.89 इंटू 1000, तो ये पॉइंट जो है 3 बार चलेगा, तो 1 जीरो आ जाएगा इस पे, 890, ये हो गया मीटर। तो किलोमीटर हमारे पास क्या है, 3 किलोमीटर और 890 मीटर, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जी और एच पार्ट है हम लोग के पास। तो यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है और इसको किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, तो पॉइंट से पहले जो नंबर है वो किलोमीटर में है, तो यहाँ पे 17 किलोमीटर हम लोग के पास है प्लस 0.08 ये भी किलोमीटर में है। लेकिन तो यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, 0.08 किलोमीटर इक्वल टू 0.08 इंटू 1000 इक्वल टू, ये 3 बार चलेगा, कितना हो गया, 080, तो 80 ही होगा, मतलब 80 मीटर हो जाएगा। तो किलोमीटर कितना दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है 17 किलोमीटर 80 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें किलोमीटर में दिया हुआ है और किलोमीटर मीटर में हमको कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास 4 किलोमीटर दिया हुआ है प्लस 0.867 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में ही है। यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना हम लोग को, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और हमारे पास है 0.867 किलोमीटर इक्वल टू 0.867 इंटू 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 बार चलेगा तो 867 ही रहेगा और ये मीटर हो जाएगा। तो किलोमीटर हम लोग के पास क्या है, 4 किलोमीटर है और 867 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक पार्ट बचा हुआ है, यहाँ पे आई नंबर में है, तो ये 0.3 किलोमीटर इंटू मीटर कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है मीटर में, तो किलोमीटर में हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, तो मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो हमारे पास है 0.3 किलोमीटर इक्वल टू 0.3 इंटू 1000, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है 3 बार इधर चलेगा, तो 1 बार इधर हुआ और 2 बार चलेगा, तो मतलब 2 जीरो इस पर लग जाएगा, इक्वल टू 300, तो इतना मीटर हो गया 300 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 53 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं।